स्वागत है गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कहीं ना कहीं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी वॉचेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, और आज हम यहाँ पे एक और जो सीरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, वो है MI वॉचेस की, MI वेरिएबल डिवाइसेस की, जो कि आपको बहुत ही बेटर एक्यूरेसी देते हैं और साथ में आपको बहुत सारी ईज़ ऑफ एक्सेस भी देते हैं। आपको फीचर बहुत सारे मिलते हैं, एक्यूरेट सेंसर के साथ आपको ये वॉच आती है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे MI वेरिएबल्स के डिवाइसेस के बारे में। आपका कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से लास्ट में एंड में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइज सारी की सारी जो वॉचेज़ हैं या नेक बैंड है और गाइज सारी की सारी जो वॉचेज़ हैं और आपके बैंड्स हैं सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बैलिंग दे रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। तो गाइज इसको स्टार्ट करते हैं और कुछ कूपन्स मैं बताऊँगा यहाँ पर, तो कूपन आप अप्लाई करके स्ट्रेट अवे बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहला जो बात करेंगे, यहाँ पे रेडमी स्मार्ट बैंड है जो कि आपको बहुत ही कम दाम में मिलता है, जो कि आपको 1600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। 14 दिन का आपको बैटरी लाइफ मिल जाता है इसमें। एमोलेड पैनल का यूज़ नहीं किया गया इसमें, LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। डायरेक्ट USB चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है इसमें, ऑन द गो आप इसको चार्ज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.08 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 120x220 RGB इसमें लाइटनिंग का यूज़ किया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फुल टच पैनल है तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे कलर डिस्प्ले मिलती है आपको, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलती है, 14 दिन का आपको इजीली बैटरी बैकअप मिल जाता है और स्टैंडर्ड मोड पे। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल्ड भी इसका रगेड है, यहाँ पे आपको पूरा पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है। 24x7 HR मॉनिटर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको SPU2 लेवल मॉनिटर नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ 580 mm वाटरप्रूफ है, अप टू 50 मीटर तक सबमर्ज कर सकते हो और 30 मिनट तक ईजिली आप आराम से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 50+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। वी आर अ न्यू लुक एवरी डे विद अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वॉच फेसेस, तो यहाँ पे वॉच फेसेस भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 5 पर्सनल आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जैसे कि आउटडोर रनिंग है, साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, पावर वॉकिंग है, फ्री स्टाइल एक्सरसाइज है, ये सारे के सारे आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। स्लीप ट्रैकिंग का डाटा शो कर देता है और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी शो करता है प्रॉपरली, और कितना बेटर हो सकता है वो सब बताता है आपको। 30+ स्मार्ट फीचर मिलते हैं, ऐप नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म क्लॉक, साइलेंट, रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, वेदर फोरकास्ट, आइडियल अलर्ट्स का ऑप्शन इसमें प्रॉपर मिल जाता है आपको। लाइट वेट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ में यहाँ पे MI का तो भरोसा है ही है रेडमी का, जो कि आप इसको चेकआउट कर सकते हो, बेस्ट बैलिंग में दे दूंगा भाई। सबसे पहले लिस्ट में हमारे पास MI बैंड की बात करते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 सीरीज़ आ चुकी है, MI बैंड 5, जैसे कि आप सबको पता है, इवन 6 भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिस्प्ले के साथ आता है, 1.1 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है और वर्कआउट मोड्स स्पेशली बनाए गए हैं वर्कआउट फ्रीक्स के लिए। यहाँ पे करीब करीब आपको 11 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं। 1.1 इंच की फुल टच कलर डिस्प्ले मिलती है जो कि अच्छी खासी वाइब्रेंट है, आपको एकदम एक्यूरेट कलर एक्यूरेसी मिलेगी इसमें। उसी के साथ साथ अगर बात करूँ यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती है, पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस मिलता है, PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि Amazfit की वॉचेस में डेफिनेटली पाया जाता है मैक्सिमम। HR मॉनिटर मिल जाता है, पर्सनल ट्रेनर मिल जाता है और साथ में यहाँ पे और भी यहाँ पे एक्टिविटी ट्रैकर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। 11 स्पोर्ट्स मोड जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आपको SPU2 लेवल मॉनिटर नहीं मिलता है। 100 ऑफ आपको यहाँ पे जो मॉनिटरिंग वो प्रॉपर शो कर देता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बताएगा किस तरीके से कैसे आप इनहेंस भी कर सकते हो। और स्लीप को भी मॉनिटर करता है, 24 आवर इसमें स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन दिया गया है। रैम स्लीप आपको बताता है स्लीप कैसे आप अच्छी कर सकते हो। और यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है अपने बैंड को उसमें से। यहाँ पे 2 वीक का आपको ईजिली बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो बिना किसी वरी के आप आराम से हफ्तों इसको बिना चार्ज करे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है, 1 ईयर की आपको MI की तरफ से वारंटी मिल जाती है, तो आप यहाँ पे कलर रेंज में चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से आपको जौन सा पसंद है। तो गाइज गेट इन द जोन। गाइज नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है Amazfit BPU Pro, जो कि BPU का एक अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे आपको बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट मिल जाता है, GPS फंक्शन मिलता है अंडर 5000 के प्राइस ब्रैकेट में, और यहाँ पे आप Alexa से बात कर सकते हो। Alexa सेट 20 मिनट टाइमर, Alexa विल इट रेन टुडे, इस तरीके से जैसी आपकी वॉच कनेक्टेड रहेगी फ़ोन के साथ आपको सारे के सारे अपडेट देती रहेगी। 60+ स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, 1.43 इंचेस की आपको लार्ज कलर डिस्प्ले मिलती है, अच्छा खासा ब्राइटनेस के साथ आती है ये, और हाई प्रिसीजन GPS का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, अवेलेबल है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो गाइस इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो और बेस्ट बैलिंग में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज जो हमारे पास नेक्स्ट वॉच है वो Amazfit की GTS 2 मिनी, जो कि आपको GPS के साथ आती है और Alexa बिल्ट इन आपको मिल जाता है इसमें, और कहीं ना कहीं बिल्ड भी इसका रगेड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत सारे कलर वेड्स में आपको मिल जाती है, आप चूज़ ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले साइज़ का, अच्छा खासा आपको मिल जाता है और 8.95 mm की थिन बॉडी आपको मिल जाती है, जो कि प्रॉपर ये आपको
एप्पल आई वॉच सीरीज 5 का लुक दे देगी और कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है, एलमोनियम बॉडी होने के बावजूद भी लाइट वेट है ये, और बॉर्डरलेस डिज़ाइन मिलता है, एच टू एच डिस्प्ले मिल जाती है, 2.5D कर्व ग्लास भी है इसमें, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया ये आपको बता दूँ, तो आपको प्रोटेक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 87 वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं और कंपनी और ऐड करती रहती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको अवेलेबल हो जाती है इसमें। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी फीचर्स की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.55 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है जो कि अच्छे खासे रिजोल्यूशन के साथ आती है, 314 पर पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है और 500 निट से ऊपर तक की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है इस वॉच में। सुपर लाइट वेट है और सिर्फ 20 ग्राम्स की है, क्योंकि यहाँ पे जो डायल है वो आपका एल्युमिनियम है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, 5 ATM वाटरप्रूफ है, प्रॉपर आप सबमर्ज कर सकते हो 50 मीटर अप टू 30 मिनट तक, और बिल्ट इन लियान पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 14 दिन का आपको रन टाइम मिल जाता है इससे, और प्रॉपरली क्लेम किया गया कंपनी से, बट यहाँ पे 7 से 8 दिन का एक्टिवली यूजेस आपको इसमें मिल जाएगा, हैवी यूज़ करते हो आप इसको। तो गाइज इस वॉच को आप डेफिनेटली चेक ऑन कर सकते हो, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई भी इसमें अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपडेट्स आपको सारे के सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाती हैं, 70 स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, HR मोनिटर, SP2 लेवल मोनिटर, बायोट्रैकर 2 PPG के साथ आपको स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस लेवल मोनिटर भी मिल जाता है, और यहाँ पे आई गेस SP2 लेवल सेंसर नहीं मिलता है आपको। और गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं स्पोर्ट्स मोड की, अगर हम यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग की बात करें तो। म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन है, फाइंड माई फोन है, और कैमरा शटर बटन भी आपको इसमें मिल जाता है, तीनों के तीनों जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें अवेलेबल हो जाती हैं। कंट्रोल फोन टू टेक पिक्चर्स, यहाँ पे जैसा मैंने आपको पता है कैमरा शटर बटन अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पे बिल्ट इन अलेक्सा का सपोर्ट है, वॉइस असिस्टेंट आपको इसमें अवेलेबल हो जाता है, और उसी के साथ साथ गाइज इसको आप चूज़ ऑन कर सकते हो, और सारे के सारे बेसिक फीचर भी अवेलेबल हैं। इसका मैं वेस्ट बेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। गाइज जो हमारी नेक्स्ट है वॉच वो है MI वॉच रिवॉल्व। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 कलर रेंट्स में आपको मिल जाती है वॉच, और प्रॉपरली मेटेलिक डायल मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, साथ में एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग भी यूज़ करेगी, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 1.39 इंचेस की, रिजोल्यूशन भी अच्छा खासा है, 454x454 इंचेस का आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ वाटरप्रूफ भी वॉच हो जाती है, 5 ATM वाटरप्रूफ मिलती है आपको, और बैटरी लाइफ भी इसका 14 डेज तक आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी। फर्स्ट बीट मोशन एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है इसमें, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, और इसी के साथ साथ 24/7 HR मॉनिटर आपको इसमें प्रॉपर मिल जाता है। VO2 मैक्स एक न्यू फीचर है जो कि कहीं ना कहीं अवेलेबल है आपको इसमें वॉच में, और उसी के साथ साथ की वेलनेस इंडिकेटर भी यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी हेल्थ को वो भी शो करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SP2 लेवल मॉनिटर नहीं मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप नोटिफिकेशन प्रॉपर शो कर देगा, म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन मिलता है, कॉल्स को मैनेज कर सकते हो, और वेदर नोटिफिकेशन, आइडल अलर्ट्स, लोकेट योर फोन, स्टॉप वॉच, टॉर्च, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये कॉलिंग वॉच नहीं है, मतलब कॉल फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे आपको फिटनेस ट्रैकिंग के माध्यम से बहुत ही अमेजिंग ये वॉच मिलती है, 110+ जो वॉच फेसेस हैं वो मिल जाते हैं, और GPS ग्लोनास का सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको ऑल टाइम अपने फ़ोन को ले जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी वॉच से ही पूरा ट्रैक कर सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी भी इसकी अच्छी खासी दी गई है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाती है, एक मेन्यू के लिए और एक होम के लिए। तो गाइज़ ये वॉच भी आपको अराउंड 6,999 रुपीज़ मिल जाती है, और गाइज़ अगर आप बैंक मतलब अगर आपके पास कार्ड है कोई पर्टिकुलर बैंक का, तो उस पर आप कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। गाइज़ जो नेक्स्ट वॉच है वो भी हमारी MI की वॉच है, मतलब MI वॉच रिवॉल्व, जो कि आपको ब्लैक एक्सेंट में मिलती है, तो पूरा का पूरा इसका जो ऊपर का जो मेटेलिक डायल है वो ब्लैक कलर में है, तो आप इसको भी चूज़ ऑन कर सकते हो। फीचर सारे सेम रहेंगे जो मैंने पहले वाली वॉच में बताया, एज इट इज़ सारे सिमिलर है, बट यहाँ पे जो कलर है वो डिफरेंस हो जाता है, आपको एक प्रॉपरली जो ग्रे एक्सेंट में मिलती है और एक आपको मिडनाइट ब्लैक में मिल जाती है, तो आप चूज़ ऑन कर सकते हो। गाइज अगर हम कंटेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है, MI वॉच रिवॉल्व की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ अलग जो आपके बॉक्स कलर वेंट्स में आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से आप चूज़ ऑन कर सकते हो। एलेक्सा बिल्ट इन आपको मिल जाता है इसमें, GPS का सपोर्ट भी है, और ओवरऑल यहाँ पे जो कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है, जिसकी AMOLED डिस्प्ले है और ब्लड ऑक्सीजन और साथ में HR मीटर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे 110 से भी ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो गाइज उस हिसाब से आप इसको चूज़ ऑन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज बात करें यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की, अगर मैं बात करूँ ऊपर की साइड आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। गाइज जो वॉच है इस तरीके का लुक आपको देती है, और प्रीमियम लुक है डेफिनेटली, और AMOLED पैनल जो जैसे कि आप देख सकते हो, और पीछे की साइड आपका ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे स्ट्रैप्स रिमूवेबल है, 20 mm के स्ट्रैप साइज इसमें यूज़ करे गए हैं, आफ्टर मार्केट के भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, तो वो भी कोई इशू नहीं है, और उसी के साथ साथ स्ट्रैप की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना अलग से एक टेक्सचर मिल जाता है, और डेफिनेटली सिलिकन स्ट्रैप बहुत अच्छा लग रहा है। और देख लेते हैं कंटेंट्स, यहाँ पे आपको एक डॉक चार्जिंग के लिए मिल जाता है, मतलब एक मैग्नेटिक चार्जिंग के टाइप का है, डॉक की तरह ये प्लेस हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको
जो फास्ट चार्जिंग है उसका सपोर्ट नहीं मिलता। नॉर्मल आप चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 15-18 वॉट के चार्जर से, तो डेफिनेटली बहुत बेटर रहेगा। और इस तरीके से दो बटन मिल जाती हैं, और ऑन करने के लिए आपको ऊपर वाली बटन ऑन करनी है और ये ऑन हो जाएगी डायरेक्टली। तो गाइस को आप चूज़ ऑन कर सकते हो, डेफिनेटली टेक अ लुक कर सकते हो इस वॉच को भी। गाइस जो नेक्स्ट वॉच है हमारे पास Amazfit GTR 2 ही है, और इस तरीके की आपको पैकेजिंग के साथ आती है। यहाँ पे आपको 1.39 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, डीप ब्लैक्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, एलेक्सा बिल्टिन आपको मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल हो जाते हैं। और गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, HR मॉनिटर, और साथ में आपको PAI हेल्थ असिस्टेंस सिस्टम भी मिल जाता है। तो प्रॉपर यहाँ पे सेंसर्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 518 वाटरप्रूफ ये वॉच आपको मिल जाती है। तो गाइस इस वॉच को भी आप टेक अ लुक कर सकते हो, इस वॉच को भी आप ग्रैब कर सकते हो। इसमें आपको दो बटन मिल जाती है, एल्युमिनियम की आपको केसिंग मिलती है, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। इस वॉच का भी मैं बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वॉच की बात करें तो Amazfit GTS 2 है, और यहाँ पे ये बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले इसकी बहुत बड़ी है, ये आपको कॉलिंग फैसिलिटी के साथ मिलती है, एल्युमिनियम अलॉय की आपको केसिंग मिलती है प्रॉपरली, 3D कर्व्ड बेजल डिस्प्ले मिलती है, ओवरऑल एज टू एज 1.65 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, ऑलवेज ऑन का फीचर भी अवेलेबल है। और गाइस जो भी चीज़ आपको चाहिए सारी की सारी है, शार्पनेस भी अच्छी खासी है, 341 पर पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है, स्ट्रेस मॉनिटर आपको इसमें मिल जाता है, वाटरप्रूफ है प्रॉपरली ये 5 ATM तक। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ डीप स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो इसको आप, और नो पॉज इन योर प्रोग्रेस। यहाँ पे आपको 246 mAh बैटरी का यूज़ किया गया, 7 days का आपको जो रन टाइम देती है और 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देगी। 3 GB आपको स्टोरेज मिलता है जिसमें आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, सॉन्ग्स को इवन वॉच में ही सुन सकते हो आप, तो ये बहुत एक अच्छी बात है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ सेकंड जनरेशन PPG बायो ट्रैकर ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, यहाँ पे HR मॉनिटर भी मिल जाता है, SPT लेवल सेंसर भी आपको अवेलेबल है, 24 आवर HR मॉनिटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, एक्यूरेसी लेवल अच्छी खासी मिल जाती है, 85% to 95% तक की मिल जाती है। PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाता है, एक्यूरेसी को और इन्हेंस कर देता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 90 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पे GPS ग्लोनास का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल सैटेलाइट सपोर्ट है, तो ऑल टाइम अपने फ़ोन को ले जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली आप डायल भी कर सकते हो, ब्लूटूथ फोन कॉल्स यहाँ पे उठा सकते हो, और कॉल की क्वालिटी अच्छी है इसमें। म्यूज़िक फ़ोन में आप सारे के सारे नोटिफिकेशन भी, मतलब फ़ोन के सारे के सारे नोटिफिकेशन वॉच में ही आप पढ़ सकते हो, और एलेक्सा का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइज़ डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ऑफलाइन एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसमें एडेड एडवांटेज मिल जाती है आपको। और गाइज़ इसको भी आप चूज़ ऑन कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज़ बात करें एक और प्रीमियम वॉच की जो कि Amazfit की तरफ से आती है, ये आपको मिल जाती है अच्छे खासे दाम पे, मतलब 13,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है, और भी अगर आप डिस्काउंट कूपन यूज़ करते हो, मतलब कार्ड वार्ड यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे और भी डिस्काउंट पा सकते हो। यहाँ पे AMOLED हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिलती है, और शार्पनेस भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ 1.39 इंचेस का है, 3D कर्व्ड ग्लास मिलती है, इसमें भी आपको ड्यूल बटन मिल जाते हैं, और गाइज़ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील वॉच की बॉडी आपको मिलती है, तो थोड़ी सी आपको हैवी लग सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में यहाँ पे डजन्स ऑफ वॉच फेसेस मिल जाएंगे जो कि आप लगा सकते हो अपने मूड के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल क्वालिटी मिलती है बेटर मिलती है, और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो सिलिकॉन स्ट्रैप आपको मिलता है 20 mm, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले साइज़ जैसा मैंने आपको बताया अच्छा खासा मिल जाता है, डीप ब्लैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो शार्पनेस है वो अच्छी मिलती है, और AMOLED पैनल का यूज़ किया गया है, 5 ATM वाटरप्रूफ है, डीप स्विमिंग के लिए आप लेके जा सकते हो इस वॉच को डेफिनेटली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जो बिल्ट इन बैटरी है वो 471 mAh मिलती है, तो यहाँ पे जो यूजेज टाइम है इसका वो अच्छा खासा आपका हो जाता है, 14 डेज़ का आपको रन टाइम मिल जाता है जो कि क्लेम किया गया कंपनी की तरफ से, और एक्टिवली अगर इसको आप यूज़ करते हो तो 7 से 8 दिन का इजीली बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगी, और नॉर्मल टू हैवी यूजेस पे। 3 GB आपको लोकल स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे सॉन्ग्स को भी आप स्टोर कर सकते हो प्रॉपर्ली इस वॉच में ही, और ब्लूटूथ भी मिलता है, GPS का फंक्शन मिलता है, 90+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं आपको इसमें, और इसी के साथ साथ HR मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, स्लीप क्वालिटी मॉनिटर, स्ट्रेस लेवल मॉनिटर भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस को भी आप चूज़ ऑन कर सकते हो, बेस्ट ये वॉच है, PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम के साथ आती है, तो अच्छा खासा यहाँ पे जो एक्यूरेसी लेवल है वो हो जाता है, और एक सिंगल कोर मतलब सिंगल टैप से आप सारी की सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, या वो HR हो या वो SP2 लेवल हो, ये आपका PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम करके देता है। और जैसा मैंने आपको बताया म्यूज़िक कंट्रोल तो मिल ही जाता है प्रॉपरली, इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है आपको प्रॉपरली, यहाँ पे माइक और स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, तो
यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे वॉइस ऑपरेशंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो इस वॉच में ही। आपको अपने फ़ोन को ऑल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जेब में रखो और वॉच से ही सारे के सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। इस वॉच को भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैं बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं साथ में वॉचेस की, मैंने बेस्ट बाय लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।